हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आ गई हूँ आपके लिए कैटल डेकोरेशन लेके, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप इसको अपने घर में डेकोरेट भी कर सकते हैं और आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओब्वियसली हमें कैटल चाहिए। मेरे पास कैटल नहीं थी तो मैंने बाहर से मंगवाई थी। इफ़ आपको चाहिए हो तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 100 to 150 की रेंज में आती है। मैंने छोटा साइज़ लिया था, आप अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं। कैटल लेने के बाद मैंने इसमें फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ कराए हैं। मैंने बेस येलो दिया था, आप कोई भी बेस रख सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ करे हैं, आप चॉक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए। और कैटल के ऊपर एक जूट लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी थी क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कवर पेंट करने के बाद मैंने कैटल को भी सेम कलर कर लिया। उसके बाद इसके हैंडल पे मैंने रेड ऊन लगा दी थी और नीचे भी मैंने ऊन लगा दी थी। और जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए था उसको मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था। अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं इसमें कलर्स करूँगी। मैंने बेस जानबूझ के लाइट रखा था ताकि मैं जो भी वाइब्रेंट कलर्स इसमें डालूँ तो वो इसके ऊपर उभर के आएँ। अगर मैं बैकग्राउंड डार्क करूँगी तो मेरा जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है रेड, और उसके कॉर्नर्स पे मैं इसे ट्राइंगल बना रही हूँ। जो डिज़ाइन है वो आपकी चॉइस का है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने तो अपनी मर्ज़ी से जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो बना दिया। बेसिकली मेरा बस मेन मोटिव ये था कि मेरी सेंटर टेबल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ऐसे खाली, तो मुझे उसके लिए एक शो पीस चाहिए था। इस वजह से मैंने कैटल सोचा कि कैटल आजकल मैं देख रही हूँ सब लोग कैटल पर डिज़ाइन करें, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं भी कर लूँ। और अब इसके ढक्कन पर हम रेड पेंट करेंगे। रेड पेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिका के कलर यूज़ करे हैं कैमल, और जो हैंडल्स के जॉइंट्स थे उन दोनों जॉइंट्स को मैं ब्लू पेंट कर दूँगी। एक्चुअली आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कभी फेविक्रिल यूज़ कर रही हूँ, कभी कैमल यूज़ कर रही हूँ। तो इसको पेंट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है एक स्पेसिफिक कलर टाइप चाहिए होगा। जो भी कलर्स आपके घर में हैं आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड में तो हमें इसके ऊपर वार्निश लगानी है, तो ये कलर्स हटेंगे ही नहीं। और अब मैंने जितनी भी लीव्स बनाई थी अपने डिज़ाइन में, मैंने कलर्स कोऑर्डिनेट करके डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन फेविक्रिल का ही यूज़ करके मैंने सबसे पहले सारी लीव्स पेंट कर ली हैं। लीव्स पेंट करने के बाद अब मैं स्टेम का कलर करूँगी, जो कि आप सबको पता है ब्राउन। तो मेरा मोटिव यही था कि जो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं उनको पेंट कर दूँ, क्योंकि उसके बाद जो मेरा मेन डिज़ाइन है जिसमें मैंने एक आदमी और एक औरत बनाई है उसमें मेरे को डिटेलिंग ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें पहले पेंट कर दी, क्योंकि उनको ड्राई होने में भी टाइम लगेगा। जैसे कि मेरी कैटल छोटी है तो ओब्वियसली उसमें टाइम लगेगा ही। और अब मैंने जितने भी फ्लावर्स बनाए थे मैं उनको पेंट कर लूँगी। और उनके मैंने सिर्फ दो ही कलर रखे हैं, ऑरेंज और पिंक। आप अपने हिसाब से कलर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहीं कहीं रेड भी कर दिया है, लेकिन मोस्टली मैंने पिंक और ऑरेंज ही यूज़ किया है।
ये जो ड्राइंग है उसका सीन है कि लड़का अपनी एक रिक्शा लेके खड़ा है और लड़की रिक्शा में बैठी है। एक्चुअली आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो मैंने पेंसिल करी थी वो काफ़ी लाइट है, तो इस वजह से मैंने पूरा आपको बताया मैंने क्या क्या बनाया था और आपस में मैंने थोड़ी बहुत पत्तियाँ डाल दी हैं। और अब मैं लड़की के जो कपड़े हैं उनको पेंट कर रही हूँ और आउटलाइन जो मैं कर रही हूँ वो ब्लैक कलर से कर रही हूँ, जो एकदम पतला वाला ब्रश आता है उससे, क्योंकि मोटा बहुत गंदा लगेगा अगर हम इसको आउटलाइन करेंगे तो। और इफ़ अगर आपसे इसे आउटलाइन नहीं हो सकता है पेंट से, तो जो मार्कर आता है पतला वाला मार्कर, आप उससे भी आउटलाइन दे सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विथ सेम नेम आर दृष्टि, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जब भी आप कैटल बनाएं तो उसका डिज़ाइन आप मुझे टैग करिएगा उस डिज़ाइन पे, तो मैं ज़रूर उसको देखूंगी और अपनी स्टोरी पे भी पोस्ट करूंगी। और अब मैं लगाऊंगी फेविकल की मॉड पॉच, इससे क्या होगा कि इसमें शाइन आएगी, प्लस अगर इसमें कभी भी पानी गिर जाता है या फिर कुछ भी गिर जाएगा तो इसका पेंट नहीं हटेगा। आप इसकी जगह वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी स्टेशनरी वाली वार्निश आती है वो। आज का हो गया है हमारा DIY कंप्लीट। इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे जल्दी ही, टिल देन बाय।